तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप सिर्फ 1,000 रुपए की SIP से 8 करोड़ रुपए तक जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए, जब भी हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करने की बात करते हैं, तो 3 फैक्टर्स हमेशा से काम करते हैं जिसकी वजह से आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। सबसे पहला फैक्टर, कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो। दूसरा, कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और तीसरा, कितना रिस्क आप ले रहे हो अपने पैसे पे उसे इन्वेस्ट करते हुए। या तो ये तीनों फैक्टर्स आपके फेवर में काम करने चाहिए, या इन 3 फैक्टर्स में से कोई एटलीस्ट 2 फैक्टर्स आपके फेवर में होना चाहिए। आप पैसा ज्यादा लगा रहे हैं, आपके पास टाइम है, आप कम रिस्क लेंगे तो भी आप अच्छी रिटर्न कमा लेंगे। आपके पास रिस्क लेने की टाइम नहीं है तो आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आपके पास पैसा है, रिस्क ले सकते हैं, टाइम नहीं है तो भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप 5-7 सालों में रिस्क ज्यादा लेके पैसा कमा सकते हैं। अब आपके पास पैसा नहीं है, टाइम है और रिस्क लेने की कैपेसिटी है, इस केस में भी आप अच्छी रिटर्न्स कमा सकते हैं, अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। आपके पास सिर्फ 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए, या आपके पास 10,000 रुपए मान लीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए है, उसमें से 1,000 रुपए पे आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं और अच्छा रिस्क ले लेते हैं। लंबा टाइम मतलब 20 से 30 सालों के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं और रिस्क उसमें हाई ले लेते हैं। आपके पास यहां पर अच्छी रिटर्न्स मिल जाएगी। तो ये 2 फैक्टर्स आपके फेवर में अगर काम करते हैं तो भी आप अच्छी रिटर्न्स कमा सकते हैं। इन 3 फैक्टर्स में से कोई 2 फैक्टर्स आपके फेवर में काम करने जरूरी हैं। अब 1,000 रुपए से 8 करोड़ रुपए बनाना कितना आसान है, ये चीज हम समझ लेते हैं एक बार। तो दोस्तों यहां पर मैं SIP कैलकुलेटर पे आ गया हूं। अब हमने ये 3 फैक्टर्स की बात की है, सबसे पहले पैसे की, दूसरा रिस्क आप कितने लेते हैं, जितना आप रिस्क ले सकते हैं आपकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो उसके आसपास की मिलती है, और तीसरा आपके पास टाइम कितना है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब जैसे ये 3 फैक्टर्स हैं जो आपके एंड रिजल्ट को यहां पर फेवर करती है। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, आप महीने के 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कम रिस्क लेकर कम टाइम में भी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास पैसा कम है तो आपको अपनी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखनी पड़ेगी, यानी कि आपको जो रिस्क है वो ज्यादा लेना पड़ेगा और टाइम पीरियड भी आपको ज्यादा रखना पड़ेगा, तब आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अब जो ये 1,000 रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, अगर आप 1,000 रुपए को 25% पे आपकी रिटर्न मिलती है 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग आप 8 करोड़ रुपए के आसपास की वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अब मैं ये नहीं बोलता कि आपको 1,000 रुपए इन्वेस्ट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि 1,000 रुपए मान लीजिए आप टोटल 10,000 रुपए SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 9,000 रुपए पे आप जैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आप वो फॉलो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ महीने के 1,000 रुपए आपको अलग करने हैं और टोटल आपके कितने पैसे लग रहे हैं, 3,60,000 रुपए लग रहे हैं। इतना सा रिस्क तो आप आराम से ले सकते हैं। अगर 30 सालों में यहां पर आपको हाई रिस्क लेके रिटर्न नहीं भी मिलती है तो सिर्फ 3,60,000 रुपए का नुकसान होगा, लेकिन बाई चांस आपका ये गैम्बल काम कर जाता है, ये रिस्क लेने की जो आपने हिम्मत की है इससे आपको रिटर्न्स मिल जाती है, तो आप 8 करोड़ रुपए तक इकट्ठे कर पाएंगे 30 साल बाद। अगर आप अभी 30, 35, 40 साल के भी हैं इवन, और आप कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी बचे हुए जितनी भी पैसा है उसको आप एक तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, लेकिन सिर्फ 10,000, सिर्फ 1,000 रुपए हर महीने आपको अलग इन्वेस्ट करना है। कहां इन्वेस्ट करना है, क्या ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको 25% 26% की रिटर्न्स दे सकते हैं, तो मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट निकाली है। सबसे पहले निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड, यहां पर आप देखिए 10 साल में 26% के आसपास के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने दिए है, और सिंस इंसेप्शन यानी कि पिछले लगभग 14 सालों में 22% के आसपास के रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने आपको जनरेट करके दिए, और ये मैं रेगुलर प्लान की इनकी बात कर रहा हूं। जो इनका डायरेक्ट प्लान है उसमें लगभग 28% के आसपास की रिटर्न्स इन्होंने 10 सालों में जनरेट करके दिया है। इसके अलावा SBI स्मॉल कैप फंड देखते हैं, यहां पर भी आप देखेंगे 10 सालों में 27% की रिटर्न है, और लगभग 11-11.5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 26% के आसपास की रिटर्न्स दी है। तो ऐसी रिटर्न्स ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पिछले 10-11 सालों में स्मॉल कैप फंड्स में काफी सारे स्मॉल कैप फंड्स हैं, मैं सिर्फ 2-4 एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूं जहां पर आपको इतनी रिटर्न्स जनरेट हुई है।
तीसरा म्यूचुअल फंड देख लेते हैं। तीसरा म्यूचुअल फंड देखेंगे एक्सेस स्मॉल कैप फंड। यहां पर आप देखिए नवंबर 2013 से 25% की रिटर्न्स जनरेट कर चुका है ये फंड भी, तो यहां पर भी 10-11 सालों में 25% की रिटर्न्स जनरेट हुई है। इसके अलावा क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड देखेंगे, यहां पर भी आप देखिए 10 सालों में 26% के आसपास के रिटर्न है, 11.5 सालों में 23% के आसपास के रिटर्न है। बस इन फंड्स में रिस्क क्या है कि ये हाई रिस्क लेने वाले फंड्स हैं, स्मॉल कैप फंड्स हैं। कुछ आप देखेंगे ईएलएसएस फंड है ये। इसके अलावा आप देखिए नैसडेक मोतीलाल ओसवाल नैसडेक 100 जो कि यूएस का एक इंटरनेशनल ईटीएफ है, इंडेक्स फंड है, यहां पर भी अगर आप इन्वेस्ट करते 14 सालों में लगभग 13-14 सालों में 23% के आसपास के रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने आपको जनरेट की है। यानी कि बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो 24-25% की पिछले 10-12 सालों में रिटर्न्स जनरेट करने में सक्सेसफुल हुए हैं। और देखिए यहां पर SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यहां पर भी आप देखेंगे, यहां पर भी आप देख सकते हैं 20% के आसपास की 10 सालों में रिटर्न है, 5 साल में 26-27% के आसपास के रिटर्न है। तो यहां पर तीन टाइप के म्यूचुअल फंड्स आपके पास आ जाते हैं। तो वापस एक बारी मैं यहीं आ जाता हूं, आप यहां पर आपके पास तीन टाइप के म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं जहां पर इन्वेस्ट करके आप ये 24-25% की रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। पहला है स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स, यहां पर आपने देखा है अच्छी रिटर्न्स जनरेट हो रही है। दूसरा इंटरनेशनल में नैसडेक 100 यहां पर दिख रहा है जहां पर पिछले 10-12 सालों में 23-25% तक के रिटर्न्स आई है। और तीसरा है जो आपके सेक्टोरल फंड्स होते हैं, जो थीमेटिक फंड्स होते हैं, यहां पर भी देखा गया है कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर्स रहे हैं जिन्होंने 10-12 सालों में 20-25% तक के रिटर्न्स जनरेट करके दिए। तो ये तीन टाइप के फंड्स हैं जहां पर आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले रहे हैं लेकिन सिर्फ 1,000 रुपए आप अलग कर देते हैं तो आपकी अच्छी रिटर्न्स आ जाती है। और अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको जो टिपिकल बातें होती हैं कि सिर्फ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करिए, उससे आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमने जो अगेन बात की मनी टाइम और रिस्क, ये तीनों फैक्टर्स अगर आपके फेवर में है तो आप वो चीजें फॉलो करके कर सकते हैं। लेकिन अगर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मनी आपके पास नहीं है तो टाइम और रिस्क, ये दो फैक्टर्स हैं जो आपके फेवर में काम कर सकते हैं और इन दो फैक्टर्स से आप एक ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, रिस्क थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कहता कि आप सारे पैसे पे रिस्क लीजिए, सिर्फ जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं SIP आप जो भी कर रहे हैं उसका 10% पे भी रिस्क ले लीजिए। जैसे कि मैंने यहां पर 10,000 रुपए का 10% 1,000 रुपए की SIP पे रिस्क यहां पर आपको सजेस्ट किया है। इसके अलावा अगर आप 25,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2,500 रुपए ये एक्स्ट्रा रिस्क ले लीजिए। वो 2,500 रुपए आप 30-35-40 साल मैक्सिमम जितने सालों के लिए रिस्क अलग कर सकते हैं, डाल के छोड़ सकते हैं, उतने सालों के लिए डाल के छोड़ दीजिए। बाकी जो आपके पैसे बच रहे हैं, जो आप SIP कर रहे हैं उसमें आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग, घर लेने की प्लानिंग, घूमने जाने की, फॉरेन ट्रिप की प्लानिंग, वो सारी आप कर सकते हैं। और ये पैसा आपको जो हमने 10% अलग किया SIP में वो एक ह्यूज वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।